जन में उत्साह देख रहे हैं, खुशियां देख रहे हैं, वो है बाबा बागेश्वर। आज खुद जैन शास्त्री यहाँ मौजूद हुए, यहाँ के भक्त जन से हम जानते हैं बाबा के दर्शन हुए नहीं हुए? नहीं हुए बाबा के दर्शन? हाँ हाँ हुआ है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोचा था कि बाबा का मंदिर में दर्शन? ना, हमको नहीं मालूम, कभी सोचे नहीं थे कि बाबा से मिलना होगा। यहाँ पे आके उनसे दर्शन भी किए, उनको टच भी किए, गोर भी लगे, बहुत अच्छा दे दिए बाबा। अकस्मात पैर भी छुए हैं, पैर भी छुए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप लोग को तरेत जाने का मौका नहीं मिला, यहीं पर ये सोचा था कि जाएंगे, मगर हमको विश्वास नहीं थे कि हमको महावीर मंदिर में नहीं जाएंगे। वहाँ भी जाएंगे हम लोग, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? हम लोग का दर्शन नहीं हुआ है। नहीं हुआ, इतना भीड़ में इतना दर्शन आपके दर्शन हुए? हम तरेत गए थे, दर्शन नहीं हुआ, आज सौभाग्य से मेरा दर्शन हो गया। अपनी कठिनाइयों को रखा मन ही मन, हमारी कठिनाइयों को भी दूर करिए, सबका करते हैं, मेरा भी कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा, एक दिव्य दिव्य रूप उनका दिखा। और संजोग से मैं ट्रेन से उतर के आया मंदिर में दर्शन करने के लिए, और देखे कि यहाँ पर बाबा आए हुए थे, मेरा दर्शन भी, मेरा आना साकार हो गया। आज हनुमान जी ने मुझे सिद्धि दिलवाया। बाबा के दर्शन हुए? नहीं नहीं हुए। इतने लोग थे, बाबा के दर्शन हुए? थोड़ा सा देखे बस। कैसा लगा? अच्छा लगा। जो लोग तरेत नहीं जा पा रहे उन्हें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने ये सौभाग्य की बात है कि देख पाए हम लोग। देखिए कि भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत भक्त ऐसे थे जो निराश हो चुके थे। बाबा का दिव्य दरबार लगना था, उस दिव्य दरबार में बाबा एक दिन पहले अनाउंसमेंट कर दिए थे कि लोग टीवी पर घर में बैठकर देखें, लेकिन यहाँ भीड़ ना बनाए, इस वजह से काफी लोग वहाँ से वापस चले गए थे। लेकिन जो प्रस्तुति आज पटना के महावीर मंदिर में देखने को मिली, ये भक्त बेहद खुश है और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आज बाबा के साक्षात दर्शन हो गए, जिसके लिए उन्होंने सोचा नहीं था कभी कि यहाँ आकर बाबा के दर्शन होंगे। आज मंगलवार है, महावीर जी के दर्शन हुए ही हुए, आज यहाँ पर बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र के शास्त्री के भी दर्शन हो गए। अपने आप को काफी सौभाग्यशाली भक्त मान रहे और बेहद खुश है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे कृष्ण के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।